तो भाई हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल आगे ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ठोक कर प्रेस कर दो। और बाकी सीन आ रहा है कि यार मैं आप लोगों से फालतू की चपले मारे में ना एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या बताऊँ कि यार ये मतलब रमज़ान में शुरू हो रहे हैं, ये जुमेरात से या जुम्मे से हैं, क्योंकि डाउट जो है कि क्लियर कर ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने स्कूल से अभी भी आया हूँ, ठीक है, तो स्कूल में बच्चे बोल रहे थे कि यार जुम्मे को है, जुम्मे को है, जुम्मे को है, जुम्मे को है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जुमेरात को है, जुमेरात को है, जुमेरात को है। खैर जैसा भी होगा आप लोगों को सामने होगा, आप लोगों को दिखा दिया जाएगा हर चीज़। अगर आज तरावी हुई तो भाई इंशाल्लाह आज जाएंगे पढ़ने के लिए, अगर कल तरावी हुई तो इंशाल्लाह कल जाएंगे पढ़ने के लिए। बाकी खैर आज जो डेट है ना भाई, मैं दिखानी है छोड़ो आप लोगों को, आज है भाई बुध का दिन, ठीक है, और जुमेरात मतलब कल की छुट्टी मेरी इसलिए भाई क्योंकि कल है भाई 23 मार्च। 23 मार्च का जो भी हुआ था भाई वो हुआ था, जबकि जब उधर उधर गई भाई, ठीक है। बाकी व्लॉग के साथ करते हैं, मैं स्कूल से आ चुके हैं भाई, फिर नाश्ता बगे ही पहले फ्रेश होंगे फिर आपको नहाएंगे नाश्ता करते वक्त। तो भाई हे फैम व्हाट्सअप कैसा सभी लोग, तो भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। A few moments later. भाई साहब जी यार फिर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, ठीक है, और नाश्ता आप लोगों को दिखाना भूल गया यार, मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान मतलब ना नाश्ते बता दो मतलब कि नाश्ता मिलना है। और आप लोग बोले कपड़े चेंज करे भाई, कपड़े यार मैं वाले जो हूँ ना भाई जो पहना हुआ था वो मैंने रखवा दिया, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा महंगा नहीं हुआ कपड़े, पता है आप लोगों को। शाम में इंशाल्लाह अभी यार मैं ये वाले कपड़े पहन के सो रहा हूँ, शाम में इंशाल्लाह आपसे जब उठूँगा ना तो आसर करूँगा भाई दूसरे कपड़े पहनने के बाद, ठीक है। तो अभी सोते हैं फिर आपसे खिस्कियाँ क्यों आ रही हैं, मुझे खिस्कियाँ क्या सर करेंगे हम लोग शाम में उठने के। तो भाई साहब जी यार आपको सो के उठ चुका है और शाम का टाइम हो चुका है, ठीक है, तो मैं आप लोगों से बाजू की नमी नहीं करूँगा बिल्कुल भी। बाहर समोसा वगैरह मेरा आया हुआ है, ठंडा हो रहा है, समोसा वगैरह खाते हैं पहले फिर ढूंढते हैं चांद को। मैं चांद नहीं, आप लोग मतलब समझ लो कि मैं चांद, चांद तो वैसे मैं हूँ, पहला तो मैं हूँ मैं, लेकिन चांद जो आसमान पर वाला चांद। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चाय वगैरह पीते हैं पहले फिर ढूंढेंगे चांद की नज़र आता है आज या कल आता है नज़र, आ जाओ चाय पीते पहले। तो भाई साहब जी यार समोसा वगैरह मतलब मैंने पकड़ लिया अपने खाने के लिए, समोसा वगैरह खाते हैं फिर चलते हैं बाहर चांद ढूंढते हैं। चाय वगैरह पी के हम आ चुके हैं भाई और चांद नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मतलब आज शायद चांद नहीं होगा भाई, ठीक है, तो देखो अभी नज़र नहीं आ रहा चांद, देखते हैं क्या सीन बनता है अभी। 5 minutes later भाई साहब जी सब छोड़ो आप लोग यार, सब छोड़ो बम फोड़ो, पुराना डायलॉग हमारा, पुराना डायलॉग, तो सब छोड़ो बम फोड़ो। सीन ऐसा है कि भाई हमने चाय समोसा वगैरह खाया फिर हम चले गए बाहर चांद को ढूंढने के लिए, मुझे नहीं चांद को, आसमान वाले। तो भाई चांद मियाँ जो है, चांद मियाँ, चांद साहब जो है छुपके बैठे हैं, नज़र नहीं आ रहे भाई आज, आज क्या लग रहा है मुझे मुश्किल, आज जुमे मतलब क्या दिन है आज, हाँ बुध का दिन है ना यार मेरे को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हाँ बुध का दिन है, तो भाई बुध आया दिन चांद मतलब नहीं आया, यानी कि जुम्मे को नजर आएगा, जुम्मे को चांद रात होगी और जुम्मे का रोजा होगा, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं होगी। कराची का शहर है भाई, यहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है, कभी 12 बजे चांद नजर आता है यहाँ पे, कभी सुबह चांद नजर आता है यहाँ पे, कुछ पता नहीं है भाई। अभी भी अल्लाह मालिक जैसा होगा दिखा दिया जाएगा आप लोगों को। बाकी फिलहाल मैं सिपारा पढ़ने के लिए आया हूँ, अंदर सिपारा वगैरह पढ़ लूँ, प्रयास करता हूँ मैं सिपारा वगैरह पढ़ने के। A few moments later. भाई साहब यार मैंने सिपारा पढ़ के फारिग कर लिया है, और मतलब सीन ऐसा है कि देखो सीन ये है कि पैसे वगैरह पकड़वा दिए हैं, चाबी पकड़वा दी बैग की मुझे, मैं जा रहा हूँ भाई सामान लेने के लिए, सब्जी वगैरह बहुत सारी भाई, तो टीढ़ी वगैरह पकड़ते हैं जैसे वो अपने काम के लिए मुझे लेने आते हैं ना, अब हम चलते हैं उसको लेने के लिए, देखते हैं आते नहीं आता, लेट्स गो, आ जाओ। रुको जरा सबर करो। 2000 years later भाई साहब जी सौदा वगैरह लेके आके भाई अभी घर पे आए और टाइम हो रहा है 10:15, मोबाइल है कि ठीक है, एक मोबाइल पड़ा हुआ है, किसका मोबाइल पड़ा हुआ है, टाइम देख लो आप लोग भाई 10:16 होगा सॉरी बल्कि। और अभी अभी ऐलान हुआ है कि भाई रमजान का चांद नज़र आ चुका है, अब तरावी कब पढ़ेंगे हम लोग कुछ पता नहीं है भाई, तरावी कब पढ़ेंगे, क्योंकि 10:30 तरावी कौन पड़ेगा यार, 10:30 अगर तरावी पढ़ने जाएंगे तो हम 12 बजे जाएंगे वापस। अब देखो भाई जैसा भी होगा जो भी होगा वो दिखाया जाएगा आप लोगों को, फिलहाल अभी सब घर में मुबारकबाद दे रहे हैं दूसरे को, तो मैं आशा करता हूँ भाई थोड़ी सी एक के बाद, ठीक है। और हाँ सामान वगैरह लेके मैं आ चुका हूँ, ठीक है, जो गया सामान लेने के लिए वो लेके आ चुका हूँ मैं।
सीन अभी ऐसा है कि यार मैं और अभी टेडी क्लब आ रहा है, मतलब क्यों आए हैं, चांद का चांद निकला है, चांद में आ गया, चांद में आ गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई तरावी का क्या सीन है, तरावी का क्या सीन है, हम सन्नाटा गुप हो रहे हैं, हम लोग इतनी बार क्या है भाई, हम लोग इतनी बार आए हैं कि देखना है भाई तरावी का क्या सीन है, क्या नहीं है, ऐलान हो रहा है, ऐलान हो रहा है, मोड़ो 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 देखते हैं, ऐलान कौन सा ऐलान, चुप तो ऐलान हो रहा है ना, तो यार बाहर से जो अभी हम लोग घर का आ चुके हैं भाई वापस, ठीक है यार, देखो आज की तरावी भाई देखो ज्यादातर लोगों की मिस हो जाएगी, पता क्यों, उनके हमारे जो शहर वाले जो है ना भाई वो अनोखे हैं, उन्होंने 10:30 बजे तो ऐलान करा कि चांद नजर आ गया, तो तरावी कब पढ़ने जाएंगे यार फैमिली वालों को, मतलब मेरी फैमिली में जाना था लेकिन इंशाल्लाह हम लोग कल से ज्वाइन कर लेंगे, बाकी सीन ऐसा है कि यार क्या सीन है, खाना नहाते हैं, प्यासा करते हैं भाई, सीधा टेडी वगैरह जाऊँगा मैं, उस काम आ उससे अर्जेंट, तो आसा करूँगा भाई खाना नहाने के बाद उसके घर पहुँचने के बाद, चलो भाई सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, भाई साहब 11 बज रहे हैं और खाना नहाते हैं हम लोग पहले, फिर लड़की वगैरह आ जाएंगी क्रिकेट खेलने के लिए, फिर हम लोग खेलेंगे क्रिकेट, खाना नहाते हैं, बात करते हैं आपसे, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब खाना नहा के हम लोग बाहर आ चुके हैं, और देखो भाई हम लोग सारे हमने लगा दिए विकटे वगैरह और बॉल येरी भाई, तो हम लोग खेलेंगे अभी जो आपको दिखाएंगे आप खेलते वक्त, ठीक है, खेलते वक्त भी दिखाएंगे आप लोगों को बस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो भाई रेडी हमने कर दिया है भाई और मतलब खेलना, तो अब आप लोगों को मतलब मैं चुप हो रहा हूँ और आप लोग अब इन्जॉय करो खेलते हुए, वहाँ में हमें देखो आप खेलते हुए, ठीक है, मैं ये खड़ा हुआ तो भाई साहब जो ऑन सीन है यार, और मतलब टाइम जो है भाई 2:30 बज रहा है और हमें अभी तक खेल रहे हैं, देख लो भाई सारे खेल रहे हैं लड़के वगैरह, तो अब जब हम लोग खेल के फारे तो आस करेंगे भाई खेलने मिलने के बाद, ठीक है, 2000 years later तो भाई साहब यार खेल बेल के हम लोग आ चुके हैं अंदर, मैंने आज हम लोग मतलब ज़्यादा तो नहीं दिखाया खेलते हुए, लेकिन हमारी हालत भाई एंड बैंड हो चुकी है हमारी, तो अब मैं जरा फ्रेश वगैरह रहूँगा फिर सोऊंगा नहीं, आज हम लोग मैं नहीं बोलूँगा सुबह उठने का नहीं, अब आज से मिलेंगे भाई सीधा सैरी करते वक्त, सैरी तो करेंगे भाई, कई सैरी होगी माशाल्लाह हमारी, उसके बाद पे जाएंगे फजर की नमाज पढ़ने के, जो भी दिखाऊंगा आप लोगों को हर चीज़ दिखाता रहूँगा, पहले फ्रेश हो जाता हूँ भाई, प्यास करता हूँ भाई मतलब सैरी में, ठीक है, much later सॉरी यार मैं आप लोगों को सैरी बनते बनते नहीं दिखा रखा, लेकिन सैरी लग चुकी है भाई, सैरी खाते हैं प्यास करते हैं भाई खाने वाने के बाद, ठीक है ओके। तो भाई साहब सीन अभी ऐसा है कि यार हमने मतलब रोज़ा रख लिया है भाई, पहला रोज़ा है, तो भाई पहला रोज़ा और सबको मुबारक हो भाई, ठीक है, और मैंने हर लोगों को रमज़ान मुबारक भी नहीं बोला था यार, भूल गया था, तो यार मैं अब बोल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो भाई रमज़ान मुबारक आप लोगों को, तो भाई साहब जी सारी मैंने कर ली है भाई, और टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है, बस अजान होने वाली है, और आज जो है यार घर में नमाज़ पढ़ेंगे, मैं और टेडी वगैरह सॉरी टेडी वगैरह बोल दिया, तो इंशाल्लाह कल से हम लोग फिर मदद जाया करेंगे, ठीक है, आज जाना यार थकन जो हो रही है सर से, इंशाल्लाह कल से रेगुलर मस्जिद फजर की नमाज़ पढ़ने जाया करेंगे, ठीक है, तो अभी सैरी करते हैं, मतलब सॉरी सैरी कर ली हमने, और अब पढ़ेंगे फजर की नमाज़, फिर आसा करेंगे भी नमाज़ पढ़ने के बाद, ठीक है समरिया। सो भाई साहब जी यार फाइनली मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और मतलब नमाज़ पढ़ ली तो भाई सैरी का टाइम जो ख़त्म हो चुका है भैया, तो हमने भी बस नियत कर रहे हैं, नियत क्या होती है पढ़ के जाते याद ही देना, अभी सौ मिन आधे नवई तू मिन शाही रमज़ान, ठीक है, रमदान ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान जाऊँगा, मतलब रमज़ान का फर्स्ट डे है आज, और बारिश का भी सीन होने भाई, मतलब सुबह 7 बजे हम तो सो रहे होंगे लेकिन बारिश का है, मैं जाता हूँ अभी आप लोगों को, अभी ज़रा मैं जो भाई बाहर आया हूँ मतलब देखने के लिए ना कि बिजली वाला कड़क रही है, तो बिजली की कड़क रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले चेक कर लो वेदर में कैसा आ रहा है, चेक करो आप लोग क्या आ रहा है भाई वेदर में, कहाँ गया कहाँ क्या है, ये रहा टुडे थंडरस्टॉर्म और 100% बारिश का है आज, मतलब टुडे आज का, और बिजली दिखाता हूँ आप लोगों को, वहाँ पर कड़क रही सामने, अभी तो मेरे को मैं दिखाता हूँ कड़की दिखाऊंगा, आई थिंक कैमरे में फोकस ना हो पा रहा हूँ, लेकिन ना पूरे बादल ही बादल हैं अभी सामने, और यहाँ के यार मैं देखो बिजली का कड़क रही है, अभी अगर नज़र आ गई तो दिखा दूंगा आप लोगों को, और एक यहाँ भी कड़क रही है सामने की तरफ ना बिजली,
भाई साहब जी सारी बातों को रखो आपने साइड में, ठीक है। और मैं आलू से बात आ जाऊँगा कि मैं आलू को दिखाता हूँ बिजली रखते हुए ना अभी। बाकी फिलहाल यार सुबह सुबह जो चुड़ियों की आवाज़ है ना, चो 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 चो, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। 5-6 बजे के टाइम जो आवाज़ आती है ना, सुनो अभी आप सुनो। भाई साहब जी बड़ी मुश्किल से 2-3 दफ़ा मैंने कैप्चर करी है, बस बिजली हल्की हल्की की नज़र आ रही है, लेकिन जो मैं रियल में देख पा रहा हूँ ना यहाँ सामने और इस तरफ में, अब सुबह 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 हो रही है क्या कि ना वो रात इस तरह करी है बिजली। मुझे पता तो वैसा है कि भाई मैं उठूँगा तो रोडें वगैरह पूरी गीली हो रही होंगी और बारिश हुई हो चुकी होगी या हो रही होगी भाई। खैर अब हम सोते हैं भाई, जितनी मस्त होती मैं आप लोगों को दिखा दी मैंने बिजली, इसी में बस आप लोग एडजस्ट कर लेना। बाकी मुझे पता है कि मैंने आज थोड़ा सा मतलब सहरी वगैरह नहीं दिखाई, कल से इंशाल्लाह रूटीन में आएंगे और सहरी दिखाएंगे आप लोगों को, अफ्तारी तो आज दिखाएंगे आज के ब्लॉग में। तो अभी सोते हैं फिर आशा करते हैं भाई, अब देखो कब उठते हैं हम लोग, फिर आशा करेंगे भाई उठने के बाद। गुड नाइट। The next day. तो भाई साहब जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आके भाई सोकर उठ चुका है, ठीक है, मतलब सोकर उठ चुका था, फिर फ्रेश वगैरह हुआ, फिर मतलब बैठे रहा। तो अब टाइम हो चुका है, अभी देखिए आप लोग असर की नमाज खड़ा हो चुका है। तो मैंने फ़ोन करा भाई टीडी वगैरह को, तुम आओ हम लोग चलते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, तो चलते हैं फिर आशा करेंगे भाई वापस आने के बाद, ठीक है। तो भाई साहब जी यार अशर आ चुका है बाहर और हम लोग जा रहे हैं भाई असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद, घर में नहीं बैठ रहे मस्जिद जा रहे हैं। तो चलो भाई चलते हैं, आ जाओ। 5 minutes later. तो भाई साहब मस्जिद के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं और मतलब मैं भी भाई अब जा रहा हूँ अंदर, तो आप सब बात करेंगे हम लोग भाई नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलो अंदर चलते हैं भाई। A few moments later. भाई साहब हमने नमाज़ पढ़ ली है और हम निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, और सामने बाइक पे बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ टेडी वगैरह, तो चलते चलो भाई हम लोग जा रहे हैं वापस घर। चलो भाई साहब जी हम मतलब असल में पढ़ के वापस आ चुके थे और अब टाइम हो गया अफ्तारी का, बीच में हम लोग थोड़ा खेलने वेलने के रुक गए थे, टाइम हो गया अफ्तारी का, जाते हैं अफ्तारी में जाके भाई आ जाओ बाहर चलते। तो भाई साहब देख लो आप लोग फ्रूट चाट वगैरह सब चीज़ें समोसे वगैरह, तो रोज़ा खुलने वाला है, रोज़ा खोलते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो भाई साहब जी अफ्तार वगैरह मैंने कर ली है और बस अभी बस ये रखी हुई नमाज मगर की नमाज़ पढ़ूंगा, ठीक है। तो यार और आप लोगों का मेरा पहला रोज़ा मतलब पहली सहरी और पहली अफ्तारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बहुत सारा प्यार दिया देना, इस ब्लॉग को आगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को प्रेस कर देना। बाकी अभी ब्लॉग को एंड करता हूँ, फिर नया शुरू करूँगा इंशाल्लाह यहीं इसी के बाद से, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे कल किसी और नए अच्छे से ब्लॉग में, ख्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।